हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक ही होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ सूजी की थोड़ी सी अच्छी सी रेसिपी। तो ये देखो, ये मैंने डाल दिए है दही, ये है सूजी, उसमें डाल दी मैंने 2 चम्मच दही। दही ऐड करने के बाद इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें नमक ऐड करूँगी जितना चाहिए मुझे, और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैं इसे मिक्स करूँगी। एकदम पूरा पानी नहीं डालूंगी क्योंकि लंग्स बन जाते हैं, और थोड़ा थोड़ा डाल के मैं इसे मिक्स करूंगी। बहुत अच्छे से मिक्स करना है इसे कि कहीं से सूखा ना रह जाए, और एकदम गीला भी नहीं करूंगी इसे ज़्यादा, मतलब ज़्यादा पानी भी नहीं डालूंगी, थोड़ा ठीक रखूंगी क्योंकि सूजी फूलेगी अभी, तो मैं इसे कुछ देर छोड़ भी दूंगी। वैसे ये ऐसी रेसिपी, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे तुरंत भी बना सकते हो, मगर मेरे पास आज टाइम था तो मैंने इसे कुछ देर भिगा के छोड़ दिया है। तो इसे मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया था। अब मैंने देखा अभी बहुत अच्छे से हो गई है, तो अब मैंने इसमें सबसे पहले करा है धनिया ऐड, फिर कैप्सिकम, आज मेरे पास यही सब्जी थी, और थोड़ा सा ओनियन प्याज, और इसे बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। कोई मसाले नहीं होते इसमें, कुछ भी नहीं होता है ये। मैं थोड़ा सा इसमें राई का तड़का मारूँगी, राई और करी पत्ता का, थोड़ा सा उससे अच्छा टेस्ट आ जाएगा। ये देखो थोड़ा सा राई डाली है मैंने, और उसमें थोड़ा सा करी पत्ता डालूँगी, और थोड़ा सा कलर के लिए और थोड़ा सा तीखापन करने के लिए इसमें देखी मिर्ची ऐड करूँगी मैं, उससे कलर भी अच्छा आ जाएगा और थोड़ा सा स्वाद भी आ जाएगा। ये देखो अब मैं इसमें मिक्स कर दूँगी इसको, फिर बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखो बहुत अच्छे से फेंटना है फिर इसको, इसे फेंटना बहुत अच्छे से होता है। इसमें मैंने बेकिंग पाउडर भी नहीं डाला हुआ है क्योंकि मैं इसमें 1 पैकेट इनो का डालूंगी। ये देखो मैंने 1 पैकेट इनो का ऐड करा है इसमें। अगर इनो नहीं है तो बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा हो जाता है। ये थोड़ी फूल जाती है सूजी, जैसे इडली का वो होता है वैसे ही होता है सेम। और थोड़ा थोड़ा घी डालना है इसमें, 1 चम्मच भी नहीं जाएगा इसमें, 1 चम्मच से भी कम, बहुत थोड़ा थोड़ा, वैसे इतनी भी ज़रूरत नहीं होती इसमें, इसके बिना भी बन जाते हैं, मगर थोड़ा सा मैंने डाल दिया है। ये सारे डाल दूंगी मैं इसमें क्योंकि गर्म हो रखा है, आप पे पेन गर्म थी तो इसमें मैंने सारे ऐड कर दिए। बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, अब मैं इसमें ये सारे डाल दिए। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा घी ऊपर से ऐसे डालूंगी, थोड़ा सा बहुत कम, ये देखो, ताकि ऊपर से भी अच्छे से पक जाए। और अब मैं इसे ढक दूंगी, ढकने के 5 मिनट बाद मैं इसे चेक करूंगी। तो ये देखो एक तरफ से एक सीख गए हैं, तो मैं इन्हें पलट दूंगी, ये देखो, और मीडियम फ्लेम में पकाने होते हैं ये, नहीं तो ये जल जाएंगे। थोड़ा इन्हें इधर उधर खिसकाना पड़ता है क्योंकि अगर मीडियम फ्लेम रहेगा तो एक जगह से पकते हैं, तो थोड़ा मैं ये आपे का पैन इधर उधर खिसका रही हूँ ताकि सही से पक जाए इधर उधर से। ये देखो फिर मैं इसे ढक दूँगी 5 मिनट के लिए, और फिर हो गए आपे तैयार। ये देखो एकदम अंदर बाहर से क्रंची होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं। ये देखो बहुत अच्छे से हो गए, बच्चों को बहुत पसंद है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और बहुत ही इजी रेसिपी है, सुबह के नाश्ते में या इवनिंग के नाश्ते में